So after free writing, the next step is questioning. That is technique number two. In questioning, you generate ideas and details by asking questions about your subject. Such questions include why, when, where, who and how. अब क्वेश्चनिंग में क्या है, आपने जो भी आइडियाज़ आपने बनाए हैं, आपने उनको आपने क्वेश्चन करना है अपने जो भी आपका टॉपिक है उससे रेलिवेंट, कि ये अगर जो भी आपका टॉपिक है ये इस तरह से ये क्यों है, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन था इसमें जो जिसके बारे में आप लिख रहे हो, एंड हाउ लाइक थिंग्स, इन सब के बारे में आपने देखना है कि ये सब कुछ जो आप टॉपिक लिख रहे हो इसमें आपने इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा आपने अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो अब उतना ही आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होता जाएगा. आस्क एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन थिंक ऑफ. आस्किंग क्वेश्चंस कैन बी एन इफेक्टिव वे ऑफ गेटिंग योरसेल्फ टू थिंक अबाउट योर टॉपिक फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंगल्स. अब आप एक ही टॉपिक को आप डिफरेंट एंगल से जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपका वो जो टॉपिक है वो उतना ही क्लियर होता जाएगा, आपके पास उतना ही डाटा उसके बारे में ज़्यादा आता जाएगा, आपका जो राइटिंग मटेरियल है आपका वो ज़्यादा होता जाएगा. द क्वेश्चंस कैन रियली हेल्प यू जनरेट डिटेल्स अबाउट अ टॉपिक. जो टॉपिक्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं किसी भी टॉपिक को जनरेट करने के लिए, इसको लिखने के लिए. तो आपके जो क्वेश्चनिंग जो पार्ट है आपकी टेक्निक टू, ये आपको हेल्प आउट करेगी आपकी इसमें प्री राइटिंग टेक्निक में. Then the number third is, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी वो मैंने आपके लिए ऐड किया था इसमें कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि क्वेश्चन जो हम किस तरह से हम इसमें बना सकते हैं. लाइक ये एक मैंने एक सैम्पल लिया है, इसमें हम देखेंगे कि जो भी आपका एक कोई टॉपिक है उसके बारे में आप क्वेश्चन कर लोगे कि वाई डोंट आई लाइक टू गो टू अ मूवी. देन वेन इज़ गोइंग टू द मूवी अ प्रॉब्लम. Where are problems with movie going? Who creates the problems? How can I deal with the problem? अब आपको ये आइडिया हो रहा है कि ये टॉपिक है हमारे पास मूवी गोइंग का, कि हम मूवी देखने के लिए जाना जो है वो ठीक है नहीं ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो क्या प्रॉब्लम्स हैं. तो उसके बारे में आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे आप उतने ज़्यादा जो है आप उसको डिटेल में उस टॉपिक को लिख सकोगे. तो इसी तरह से आपने इस जो आपने आपके सामने सैम्पल इसको देखते हुए आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने जो क्वेश्चनिंग करनी है वो इस तरह से हम अपने पास रफली हम लिख लेंगे कि उस टॉपिक से रेलिवेंट जो हमारे पास टॉपिक होंगे जो क्वेश्चंस होंगे हम उनको अपने पास इस तरह से एक जो लिस्ट बनाकर हम अपने पास लिख लेंगे. ये आपका प्री राइटिंग का जो है थर्ड आपका सॉरी क्वेश्चनिंग जो है आपका सेकंड जो है इसका टेक्निक है जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे. तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन जो है उसको आप लिख लोगे ताकि आपको आइडिया हो कि इस टॉपिक में हमने ये चीज़ें जो हमने इसमें लिखनी है. देन द थर्ड टेक्निक इज मेकिंग अ लिस्ट. इन मेकिंग अ लिस्ट ऑल्सो नोन एज ब्रेन स्टॉर्मिंग यू कलेक्ट आइडियाज एंड डिटेल्स डैट रिलेट टू योर सब्जेक्ट. अब इसमें इसको जो है मेकिंग अ लिस्ट है इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं. अब इसमें आप क्या करते हो, आप आइडियाज़ जो भी आपके हैं डिटेल्स आप उनको अपने सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए आप उन आइडियाज़ को इकट्ठा कर लेते हो जो आपके रेलिवेंट होते हैं आपके टॉपिक से. Then write these items one after another without trying to sort out major details from minor ones or trying to put the details in any special order. अब इनको आपने किसी order में नहीं करना कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा. Just आपने एक list बना लेनी है कि ये चीज़ें जो है आपकी ये major minor सब इकट्ठा आपने जो है आपको लगेगा कि इस टॉपिक से रेलिवेंट जो खास चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वाली जो है थोड़ी जो कम इंपॉर्टेंट है वो सारी आपने इकट्ठे एक लिस्ट बनाकर लिख लेनी है. So the goal here is just to make a list of everything about your subject that occurs to you. आपका जो भी टॉपिक है अब उस टॉपिक से रेलिवेंट आपकी जो जितनी भी जो चीज़ें आपकी डिटेल्स हैं वो आपने सारी एक लिस्ट की सूरत में आपने इकट्ठे कर ली. So this is making a list. इस तरह से आप देख सकते हैं इसको कि हम क्लस्टरिंग में इसको जो है कैसे करेंगे. सॉरी वो जो था वो क्लस्टरिंग का पार्ट था. सो द थर्ड टेक्निक इज़ क्लस्टरिंग, दैट इज़ टेक्निक नंबर फोर. क्लस्टरिंग ऑल्सो नोन एज डायग्रामिंग और मैपिंग इज़ एन अदर स्ट्रैटेजी डैट कैन बी यूज टू जनरेट मटीरियल फॉर एन एसे. सो आपने क्लस्टरिंग करनी है. आपने क्लस्टर मीन्स आप एक जो है चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो, आप चीज़ों को आप एक उनको मैप आउट कर रहे हो उनको चीज़ों को.
आपने इसमें जो भी आपका डाटा है वो आपने लिखने के लिए उन सब चीज़ों को आपने इकट्ठा कर लेना है। इन क्लस्टरिंग लाइंस, बॉक्सेस, एरोस एंड सर्कल्स आर यूज टू शो रिलेशनशिप अमंग द आइडियाज एंड डिटेल्स दैट अकर टू माइंड। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो आप एरो यूज कर सकते हो चीज़ों को लिंकअप करने के लिए, या फिर आप जो है बॉक्सेस बना सकते हो, आप सर्कल्स कर सकते हो, आप लाइंस बना सकते हो कि उन जो भी आपने टॉपिक्स हैं आपके उनको आपने किस तरह से आपने उनको आपस में उनको ज्वाइन कर रहे हैं, कि उनको कैसे उनको कनेक्ट कर रहे हैं एज आइडियाज। सो बिगिन बाय स्टेटिंग योर सब्जेक्ट इन अ फ्यू वर्ड्स इन द सेंटर ऑफ अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। अब आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है ना उसके बारे में कुछ जो मेन वर्ड्स आपके माइंड में उस आइडिया से रेलिवेंट जो आपको क्लिक करेंगे उनको आपने सिंपली एक ब्लैंक शीट पर आपने लिख लेना है। एज आइडियाज एंड डिटेल्स कम टू यू, पुट दैम इन बॉक्सेज और सर्कल्स अराउंड द सब्जेक्ट एंड ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट दैम टू ईच अदर एंड टू द सब्जेक्ट। अब जो रफली आपने आइडियाज बना लिए गए, ये सब चीज़ें हमारे पास इस टॉपिक से रेलिवेंट चीज़ें हमें चाहिए, इन पर हमने बात करनी है, उन सबको जो है आपने उस तरह से आपने एक बबल्स बनाकर आप लिख सकते हैं, बॉक्सेस बना सकते हैं, आप लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें आपने लिख लिया है, फिर आपने उनको कनेक्ट कर लेना है, लाइन्स के थ्रू आपने कर देना है या एरोस के थ्रू आप उसको कर सकते हैं, इन सबको आपने इकट्ठा कर लेना है। देन पुट माइनर आइडियाज और डिटेल्स इन स्मॉलर बॉक्सेज और सर्कल्स एंड यूज कनेक्टेड लाइन्स टू शो हाउ दे रिलेट एज वेल। अब आप इनको जो माइनर आइडियाज़ हैं उनको आप स्मॉल बॉक्सेस कर दें, जो आपको लगता है कि जो मेजर आइडियाज़ हैं जो कि मेन पॉइंट्स आप उनको बिग बॉक्सेस में या बिग बबल्स में जो आप उनको ड्रॉ कर सकते हैं, फिर आपने उन सबको लाइंस को आपने आपस में शो भी करना है कि कौन सा जो बबल या कौन सा बॉक्स जो है वो किससे रिलेट कर रहा है और किस सीक्वेंस में कर रहा है। इसके लिए आपके लिए सैम्पल है यहाँ पे डायग्राम, अभी देखेंगे कि ये टॉपिक है हमें मूवी गोइंग का, जैसे आपको हमने बताया टॉपिक था। अब उस टॉपिक से रेलिवेंट जितनी हमारे माइंड में चीज़ें आई हैं, ठीक है, अब उन सबको जो है आप इकट्ठे यहाँ पर इस तरह से लिख लोगे, फिर आप उनको बबल्स के थ्रू में, जैसे आपने देखा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इनको यूँ फिर आप लाइन्स के थ्रू के ये जो चीज़ें हैं लाइक टू मैनी पीपल लाइक लाइन एट बॉक्स ऑफिस ट्रैफिक गेटिंग चीटर सॉरी थिएटर, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपने उन सबको आपने इकट्ठा करना है, लेकिन आपने उनको एक सीक्वेंस से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इससे मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं लाइक नॉइजी पीपल हैं इसमें टीनेजर्स हैं एडल्ट्स हैं, अब ये यहाँ पर टेलिंग प्लॉट बता रहे हैं उस मूवी के बारे में कफिंग एंड स्नीजिंग, देन टीनेजर्स हैं वो शोइंग ऑफ कर रहे हैं यलिंग शोर मचा रहे हैं, तो इस तरह से ये सब चीज़ें आपने प्लान कर लेनी है कि आपने किस तरह से उनको डिस्प्ले करना है। ठीक है, अब आपने देख लिया कि ये सब चीज़ें जो आपके लिंक अप किससे करें, मूवी गोइंग से, और इसमें हमने डिफरेंट हमने बिग बबल्स कर लिए हैं, कुछ स्मॉल कर लिए हैं, जो स्मॉल वालों को जो हमने बिग वालों से उनसे कनेक्ट कर दिया है, तो हमें पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी जो है कम इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। देन द लास्ट स्टेज दैट इज नंबर 5th, प्रिपेयरिंग ए स्क्रैच आउटलाइन। फिर आपने इन सब के क्या करना है, एक आउटलाइन बनानी है। स्क्रैच आउटलाइन ऑफन फॉलोज फ्री राइटिंग, क्वेश्चनिंग, लिस्ट मेकिंग और डायग्रामिंग, और इट मे ग्रेजुअली मर्ज इन द मिडस्ट ऑफ दी स्ट्रेटजीज। अब वो कहने के आप इस तरह से भी कर सकते हो कि फ्री राइटिंग को क्वेश्चनिंग, लिस्ट मेकिंग और डायग्रामिंग के बाद में आप इसको ले आओ, या फिर आप इनके बीच में भी जो है आप इसकी एक आउटलाइन बना सकते हो। In a scratch outline, you think carefully about the point you are making, the supporting items for that point and the order in which you will arrange those items. अब इस outline में जो है आपने sequence जो है आपने इसका वो organize करना है, आपने सोचना है कि आप जो point बनाने जा रहे हो अपने उस topic को support करने के लिए, उसके लिए arguments हैं जो आपके पास, आप उसको आपने किस तरह से अरेंज करना है, आपने जो पहली जो एक टॉपिक है आपने उसमें आपने पहले उसके बारे में क्या आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आपने उसको लेकर उससे रेलिवेंट जो आइडियाज़ हैं उनको आपने किस तरह से नीचे लेकर जाना है, आपने इसका सीक्वेंस जो है आपने जो आपकी आउटलाइन का वो आपने यहाँ पर डेवलप करना होता है। द स्क्रैच आउटलाइन इज़ अ प्लान और ब्लू प्रिंट टू हेल्प यू अचीव अ यूनिफाइड सपोर्टेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एसे। अब आपने जो है अगर आप कोई भी टॉपिक अब लिख रहे हो लाइक ऐसे लिख रहे हो, तो आपने जो आपकी जो आउटलाइन है ना ये एक स्ट्रक्चर है आपके पास, एक ढांचा है आपके पास आपके हेल्प करने के लिए, एक एक बहुत ही एक जो है यूनिफाइड एक जो है एक बहुत कोहेरेंट जो है आपका जो एक राइटिंग है उसके लिए, और बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे में
क्योंकि आपके पास एक सीक्वेंस आ जाएगा ना, आपको पता होगा कि हमारे पास ये सीक्वेंस, हमने इसको फॉलो कर